हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निवेश नॉलेज कंप्यूटर। और निवेश नॉलेज कंप्यूटर में चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं, ओ ओ क्या देखने जा रहे हैं, ओ पी कॉन्सेप्ट क्या देखने जा रहे हैं, ओ पी कॉन्सेप्ट। इट मींस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या देखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ओओपी किसे कहते हैं। देन ओओपी क्या, ओओपी किसे कहते हैं। देन देन डॉज 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 प्रोग्राम डॉज प्रोग्राम विच इज कंटेन बोथ डेटा डेटा एंड फंक्शन इज नॉनेज ओ पी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्या बोल रहा है, डॉज प्रोग्राम वैसा प्रोग्राम विच इज कंटेन, जो क्या करता है अपने अंदर जमा लेता है। कंटेन मीन्स क्या होता है, अपने अंदर जमा करना, स्वीकार करना डेटा और फंक्शन को। डेटा और फंक्शन को क्या करता है, जो अपने अंदर कंटेन करता हो, जमा करता हो, क्या करता है जमा करता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड और क्या होगा, इट इज स्टैंड्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 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 क्या बोल रहा है, इसका क्या था, इट इज स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट मींस ओ पी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड और क्या होगा, द सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज नॉनेज 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 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग विच विच इज रिटेन विच इज रिटेन इन विच इज रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज एंड कन्वर्ट कन्वर्ट इंटू मशीन मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। क्या बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज नॉन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को ही क्या जानते, क्या नाम से जानते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या है विच इज रिटेन, जो क्या है लिखा होता है इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कहने का क्या अर्थ है, विच इज अंडरस्टैंड बाय द यूजर, जो प्रयोगकर्ता के द्वारा समझा जाता है या तो बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। एंड एंड कन्वर्ट इन टू मशीन लेवल लैंग्वेज, और उसे क्या कर किया जाता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या किया जाता है, मशीन लेवल लैंग्वेज में बदला जाता है, किसमें, बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर, क्या था, बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओओपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओओपी। तो क्या बोल रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो क्या चीज़ में, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। हाई लेवल लैंग्वेज कहने का अर्थ क्या है, जो यूज प्रयोगकर्ता के द्वारा दिया जाता है, जो हम लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या बोला, प्रोग्राम, तो यह है प्रोग्राम, क्या बोला हम लोगों ने, प्रोग्राम बोला, तो यह क्या है कि यह हाई लेवल लैंग्वेज है, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको किसमें बदलता है, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या समझता है, बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर क्या है, 0 एंड 1, क्या करता है, 0, क्या करता है इसको किसमें बदलता है, 0। पहले क्या होता है, हम लोग जो बोलते हो क्या हो गया हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज तो क्या करता है, और मशीन कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी नंबर समझता है, 0 एंड 1। तो क्या करता है कि प्रोग्रामिंग जो हम लोगों ने बोला गया प्रोग्राम, उसको क्या जिसमें कन्वर्ट हुआ, 0 और 1 में, किसके, हेल्प ऑफ कंपाइलर की मदद से। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जो हम लोग के दिए गए इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, क्या देता है, फिर रिजल्ट देता है, क्या देता है, रिजल्ट देता है कि यह क्या है, प्रोग्राम है, क्या है, प्रोग्राम है। तो ये क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज है, क्या बोले, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, जो क्या करता है, जो डेटा और फंक्शन को कंटेन करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। इट इज अ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और सी प्लस प्लस इज नॉन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस लैंग्वेज ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। और क्या करता है, जो जो सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या, और जो जो क्या होता है, जो किस में लिखा रहता है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज किस में लिखा रहता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, क्या, हाई लेवल लैंग्वेज में, जिसको कन्वर्ट किया जाता है किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में, और उसके बाद किसके मदद से, कंपाइलर की मदद से। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे हम लोग ओओपी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रोग्रामिंग पाराडिगम, क्या, प्रोग्रामिंग पाराडिगम। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, अगर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पारा, प्रोग्रामिंग पाराडिगम, देन व्हाट इज द प्रोग्रामिंग पाराडिगम। तो प्रोग्रामिंग पाराडिगम किसे कहते हैं, दोज मेथड, वैसा मेथड विच इज यूज फॉर डिजाइन द मेथड ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम की विधि को ज्ञात करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्राम पाराडिगम बोलते हैं। किसे बोलते हैं, दोज मेथड आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग, दोज मेथड आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग पाराडिगम, प्रोग्रामिंग पाराडिगम विच, दोज मेथड आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग पाराडिगम विच इज यूज्ड फॉर
डिजाइन ब्यूटिफुल डिजाइन डिजाइन द मेथड ऑफ प्रोग्राम। तो क्या बोल रहा है कि प्रोग्रामिंग पाराडिगम किसे कहते हैं, क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग पाराडिगम। तो प्रोग्रामिंग पाराडिगम किसे कहते हैं, दोज मेथड वैसा विधि आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग पाराडिगम। वैसे विधि को हम लोग प्रोग्रामिंग पाराडिगम कहते हैं विच इज यूज फॉर डिजाइन, जिसका प्रयोग, डिजाइन मतलब क्या होता है, बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए किसका, प्रोग्रामिंग मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग। तो क्या बोल रहा है कि प्रोग्रामिंग पैराडिगम किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडिगम उस मेथड को कहते हैं जो क्या होता है, प्रोग्राम की विधि को बताने के लिए क्या करता है, जिसको डिजाइन किया जाता है, किसके जिस किसके लिए बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग के विधियों को ज्ञात करने के लिए। क्या बोलता है, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से क्या से समझते हैं कि जैसे क्या हो गया कि यहाँ पे लिखा है 2 4 7 क्या, और क्या बोल रहा है एंड फाइंड फाइंड सम, इसका क्या ज्ञात करने बोल रहा है, सम ज्ञात करने बोल रहा है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, सम ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, 2 + 4 + 5 ठीक, कितना आया हम लोग का सम, कितना आ गया 2 4 6 5 11। तो क्या हो गया कि जिस प्रकार एक सम को ज्ञात करने के लिए क्या चीज़ हम लोग का फॉर्मूला लगाए, प्लस प्लस 2 + 1 + 4 + 5, उसी प्रकार किसी भी दो ऐसा विधि को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडिगम बोलते हैं, जो क्या करता है, जो डिजाइन करने के लिए किसका, मेथड विधि ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम को विधि को डिजाइन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग पैराडिगम। जैसे क्या होता है कि जब जहाँ पे कपड़े के फैक्ट्री होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि कपड़े का फैक्ट्री का, जैसे शर्ट, यह क्या है एक शर्ट है, तो शर्ट को बनाने के लिए जिस शेप का मशीन बनाया रहता है, जिस शेप का मशीन बनाया जाता है वो क्या चीज़, शर्ट का कटिंग करता है, क्या करता है, शर्ट का कटिंग करता है। उसी प्रकार जिस उसी प्रकार इस प्रोग्राम को किस लिए बनाया गया, प्रोग्राम को विधियों को कि यह किस प्रकार काटेगा, जैसे कपड़े का क्या किया, किस प्रकार काटेगा, कहाँ पे बटन होगा, कहाँ पे कॉलर होगा, कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे इसका उसका पैकेट होगा। इसी प्रकार क्या बोल रहा है कि जिस मेथड का प्रयोग, वैसे मेथड का प्रयोग, वैसे मेथड को हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडिगम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसमें हम लोग का प्रोग्रामिंग के विधि को ज्ञात कर डिजाइन करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडिगम बोलते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडिगम बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग पैराडिगम कैसे बोलते हैं, जिसमें क्या चीज, प्रोग्रामिंग के विधि को ज्ञात करने के लिए जिस प्रोग्राम का, जिस मेथड का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग पैराडिगम कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग पैराडिगम। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम, क्या देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम। टाइप्स क्या देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम, पैराडिगम के प्रकार। तो पैराडिगम के कितने प्रकार होते हैं, देन देयर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग
पारा डिगम, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पारा डिगम। तो क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, देखो जिसमें क्या बोल रहा है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पारा डिगम। प्रोग्रामिंग पारा डिगम के तीन प्रकार होते हैं, इनमें जिसमें हम लोग का क्या था जिसमें हम लोग का पहला क्या था, प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग पारा डिगम, पारा डिगम जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी, जिसको क्या बोलते हैं पी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हम लोग को नंबर सेकंड में क्या आता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेस ऑब्जेक्ट बेस प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग पारा डिगम। इसको क्या बोलते हैं, ओ, इसका क्या जगह, ओ बी पी, ऑब्जेक्ट बेस प्रोग्रामिंग पारा डिगम। उसके बाद नंबर थर्ड क्या आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पारा डिगम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पारा डिगम। तो इसका क्या हो जाएगा, OOPP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पारा डिगम। तो क्या हो गया, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पारा डिगम, जिसमें हम लोग का पहला क्या आया, प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग पारा डिगम, प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग पारा डिगम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं PPP, क्या बोलते हैं PPP, PPP। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड, सेकंड में क्या आता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पारा डिगम, जिसको क्या बोलते हैं, OBPP। उसके बाद क्या बोलते हैं, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पारा डिगम, जिसको क्या बोलते हैं, OOPP। इसके क्या हो गया हम लोग का, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पारा डिगम डिगम। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या क्या, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग का पहला क्या आता है, पहला आता है क्लास, क्या आता है क्लास, दूसरा क्या आता है, और दूसरा क्या आता है हम लोग का, दूसरा हम लोग का आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है नंबर थर्ड में, क्या आता है डेटा डेटा अब्स ट्रैक्शन डेटा अब्स्ट्रैक्शन, इसको एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डेटा डेटा हैंडलिंग डेटा हैंडलिंग। पहला हम लोग का क्या चाहिए, क्लास, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद डाटा अब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद डेटा इन कैप डेटा इन कैप्सू कैप्सू लेसन
डेटा क्या आता है, नंबर फोर्थ में क्या था, डेटा इन कैप्सुलेशन। उसके बाद नंबर फिफ्थ में क्या था हम लोग का, नंबर फोर, नंबर फाइव में क्या आता है, मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी। उसके बाद नंबर सिक्स में क्या आता है, इन हेरी इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। उसके बाद क्या आता है नंबर फाइव, नंबर सिक्स, नंबर सिक्स में, नंबर नंबर सिक्स में, नंबर सेवन में क्या आता है, पोली मोर फिजम, मोली पोली मोर फिजम। तो क्या हो गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओ पी, जिसमें हम लोगों का पहला क्या आता है, जिसमें हम लोग का पहला आता है क्लास, दूसरा क्या आता है ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हैंडलिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हैंडलिंग। उसके बाद क्या आता है डेटा इनकैप्सुलेशन, क्या आता है डेटा इनकैप्सुलेशन। एंड उसके बाद फिफ्थ में क्या आता है मॉड्यूलैरिटी, क्या आता है मॉड्यूलैरिटी। उसके बाद नंबर सिक्स में क्या आता है इनहेरिटेंस, क्या इनहेरिटेंस। उसके बाद नंबर सेवन्थ में क्या आता है पॉलीमोर, क्या हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, मोर पोली क्या हो गया पॉलीमॉर्फिज्म, PHISM, मोली पॉलीमॉर्फिज्म। तो क्या हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा पहले क्या देखा, व्हाट इज द ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उस प्रोग्राम को कहते हैं जो क्या करता है, जो डेटा और फंक्शन दोनों को कंटेन करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टैंड फॉर OOP, OOPG स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा हाँ C++ इज नॉन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++ जाना जाता है क्या, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से, जिसमें क्या होता है C++ इज रिटेन, जिसमें क्या होता है प्रोग्राम लिखा रहता है इन हाई लेवल लेवल हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें C++ प्रोग्रामिंग क्या होता है लिखा होता है किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में, क्या चीज़ में, हाई लेवल लैंग्वेज में। एंड उसे कन्वर्ट किया जाता है, उसे परिवर्तन किया जाता है किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंड बाय द यूजर, जो यूजर के द्वारा समझा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो मशीन के द्वारा समझा जाता है उसे क्या बोलते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज बोलता है। और उस भाषा को, उस हाई लेवल लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग कंपाइलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाइलर बोलते हैं। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने देखा मॉड्यूल, क्या देखा हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, क्या देखा प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडिग्म किसे कहते हैं, वैसा मेथड, वह विधि को हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडिग्म कहते हैं, जो क्या करता है, जो क्या करता है प्रोग्रामिंग के विधियों को डिजाइन करने के लिए क्या करता है, प्रोग्रामिंग के विधियों को डिजाइन करने के लिए क्या करता है, जिसका जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम क्या, उसे उसे क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बोलते हैं। उसके बाद क्या हम लोगों ने देखा, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने पहला क्या देखा, जिसमें कितने प्रकार होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, जिसके तीन प्रकार होते हैं प्रोग्रामिंग पैराडिग्म का, जिसमें उनका पहला क्या आता है प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, उसके बाद दूसरा क्या आता है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, एंड क्या आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। और प्रोसीड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट नेम क्या है उसका, PPP PPP, इसका क्या था OBPP OBPP, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को किसे बोलते हैं, OOPP। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ मूल्यधार, कुछ मूल्यधार जिसमें क्या होता है प्रयोग होता है, जैसे क्लास, जिसमें हम लोग का पहला क्या देखा क्लास, जिसमें हम लोग का पहला क्या था, पहला क्या देखा क्लास। उसके बाद दूसरा क्या देखा ऑब्जेक्ट, उसके बाद तीसरा क्या देखा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, जिसको और नाम से जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। उसके बाद नंबर फोर्थ में क्या देखा डेटा इनकैप्सुलेशन, उसके बाद नंबर फिफ्थ में क्या देखा
मॉडुलैरिटी, LARITY, मॉडुलैरिटी। उसके बाद नंबर सिक्स में क्या देखा, इनहेरिटेंस। उसके बाद क्या देखा, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या हो गया हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग।